पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अनुकरणीय पहल करते हुए एक सप्ताह में लगभग एक सैकड़ा शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया है। साथ ही शाला विहीन जमुन हाई खुर्द गांव में वैकल्पिक स्कूल खोलकर 4 दर्जन छात्रों को दाखिला दिया गया। जिला प्रशासन की इस पहल से महज एक सप्ताह में 85 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। दरअसल पन्ना में शिक्षा से वंचित गरीब समुदाय, बेसहारा एवं किसी कारण से स्कूल को त्याग चुके छात्रों को पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए 5 टीमें बनाई हैं। ये टीमें शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं और ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो किसी कारण बस शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या फिर गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे हैं। जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनके बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे या मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं या वो भीख मांग रहे हैं या अन्य किसी काम में लिप्त हैं, उन बच्चों को चिन्हित करके दोबारा स्कूल में प्रवेश कराया जा रहा है, जिससे कि अंतिम छोर तक के बच्चे तक शिक्षा का प्रकाश पहुंच सके और वह बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़कर देश के, प्रदेश के और जिले के विकास में हिस्सेदार और भागीदार बन सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में न जाकर काम कर रहे हैं और बाहर सुबह आते हैं काम करने के लिए, तो इसीलिए हमने एक विशेष दल जो है DPC की अध्यक्षता में बनाया था। वो दल विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं मॉर्निंग लेवल सेशन में और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। एक गांव में 42 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल हमने अस्थायी रूप से करवा दिया है ताकि उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े और वो शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 85 बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो स्कूलों से लिंक करवा दिया गया है या यदि उनको स्कूल दूर पड़ रहे थे तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए सुविधा दी गई और उनको पन्ना शहर में उनके एडमिशन कराया है।